रूम में आते ही कबीर ने अविका को अपनी तरफ खींचकर कहा, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई। अविका ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, आपका पूरा का पूरा गिफ्ट आपके सामने है, और क्या चाहिए? कबीर ने आंखें छोटी कर शरारत से कहा, सच में? अविका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मजाक कर रही थी। कबीर ने मुंह बना लिया तो अविका हंसने लगी। वो कबीर से दूर हटी और जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया और कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा ये एहसास कराना चाहता हूँ। कबीर ने उसे अपने और करीब करते हुए उसके चेहरे पर फूंक मारी। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसके कान के पास जाकर फुसफुसा कर कहा, मुझे तुम्हें वैसे ही देखना है जैसे तुम न्यू ईयर की रात तैयार हुई थी। न्यू ईयर की बात सुनते ही अविका ने कसकर अपनी आंखें बंद की और कबीर के शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, होठ थरथरा उठे, एक कपकपी सी पूरे शरीर में होने लगी। कबीर ने उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया और कहा, मैं चाहता हूं तुम इन सबसे बाहर आओ। जानता हूं आसान नहीं है, पर एक कोशिश तो कर सकती हो ना मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हमारे प्यार के लिए। अविका उसके सीने से लग गई। उसने रोते हुए ही कहा, मैं नहीं याद करना चाहती वो सब, पर क्या करूं, आंखों के सामने से वो सब जाता ही नहीं है। वो बुरी यादें अभी धुंधली नहीं हुई है। कबीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें सिर्फ मैं और मेरा प्यार ही नजर आएगा, वो बुरी यादें तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अविका ने उससे अलग होकर अपने आंसू साफ किए और कबीर को कुछ देर इंतजार करने को कहकर कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। अविका जब वापस आई तो कबीर उसकी तरफ आया और उसके माथे को चूम लिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए अविका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसने अविका को गोद में उठाया और बेड पर ले आया। कबीर ने उसकी गर्दन पर अपने होठों को रगड़ा तो अविका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने गर्दन एक तरफ को कंधे से लगा ली। सांसें उखड़ रही थी। आज सही मायनों में दोनों एक हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को समर्पित कर दिया। खिड़की से झांकता चांद भी आज शर्मा कर बादलों की ओट में रह रहकर छुप जा रहा था। माही का लास्ट पेपर था और वो घर से निकल गई। मोहित ने उसे कॉल कर उसके पेपर के बारे में पूछा। वो आगे कुछ कहता तब तक रोहन ने उससे फोन ले लिया और कहा, क्या यार, अभी सारा सरप्राइज खत्म कर देते तुम। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, अब उसके घर पहुंचने से पहले आप घर पहुंच जाइए, नहीं तो सरप्राइज खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। रोहन ने उसके गले में बांह फंसाते हुए कहा, साले तू साला ही रहेगा। मोहित उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, फायदे की बात बता रहा हूं तो हजम नहीं हो रही है आपको। रोहन ने उसे देखकर दूर से ही फ्लाइंग किस देते हुए कहा, वैसे थैंक यू साले साहब। मोहित ने बुरा सा मुंह बनाया तो रोहन ने कहा, विशाल की याद आ गई क्या? मोहित उसके पीछे भागा तो रोहन ने कान पकड़ते हुए सॉरी कहा और वहां से निकल गया। माही जैसे ही घर पहुंचकर अपने रूम में आई, किसी ने हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया। माही ने जैसे ही अपने सामने रोहन को देखा, उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए। रोहन ने उसका मुंह बंद कर कहा, क्या हुआ? माही ने ना में सिर हिला दिया। रोहन ने उसके इयररिंग से खेलते हुए कहा, इतने टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूं, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। और तुमने? माही ने बस ना में सिर हिला दिया तो रोहन ने कहा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? माही ने फिर से ना में सिर हिला दिया। रोहन ने कहा, तो फिर शादी कैंसिल? माही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्यों? रोहन ने उसकी तरफ देख एक हाथ दीवार से लगाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी तो फिर? माही ने जल्दबाजी में कहा, नहीं, वो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, पर एग्जाम भी तो क्लियर करना था, इसीलिए कम मिस कर रही थी। रोहन उसके बचपने पर मुस्कुरा उठा। उसने उसके बाल संवारते हुए कहा, आई लव यू यार, अब बस जल्दी से शादी करके मेरे पास आ जाओ। माही ने उसकी बात सुनकर शर्मा कर नजरें झुका ली। रोहन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, बोलो ना, शादी करोगी ना मुझसे, या अब भी पहले जैसा ही जवाब दोगी? माही ने हां में सिर हिलाया और रोहन के सीने में सिर छिपा लिया। कुछ वक्त बाद रोहन माही और सुमित रागिनी की शादी की डेट निकाल ली गई और इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि शादी गोवा से ही होगी। सब लोग बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी।
अविका दोनों होने वाली दुल्हनों के लिए जोड़ा डिजाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। बाकी लोगों के कपड़े भी उसने ही डिजाइन करने थे, क्योंकि अविका के होते कोई भी दूसरे ड्रेसेस ट्राई नहीं करते थे। हाउस में अपने केबिन में बैठे हुए अविका डिजाइन तैयार कर रही थी कि रागिनी उसके सामने आकर बैठ गई और अविका को देखते हुए उसने पूछा, अवि क्या कर रही है? अविका ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, तेरे और माही के लिए हर रस्म के हिसाब से ड्रेस डिजाइन कर रही हूँ। रागिनी ने उसके चेहरे पर नजर गड़ाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों? मतलब शादी में तो अभी बहुत वक्त है, लगभग 4 महीने, तो फिर अभी से क्यों? अविका ने अब भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपना काम करते हुए ही कहा, वो तब फिर से शादी के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो काम भी बढ़ जाएगा और हम भी बिजी हो जाएंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा। रागिनी को उसकी बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर कहा, अवि तू कुछ छुपा रही है ना, मैं देख रही हूँ तू अजीब सा बिहेव करने लगी है, सच बता क्या बात है? अविका ने अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू भी ना एसआर की तरह बातें करने लगी है। अरे यार, तू और माही दोनों मेरी बहन हो और माही के लिए मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, ऐसा लग रहा है बुआ ने उसकी जिम्मेदारी क्या दी मैं। अविका आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, गला भराया, आंखें डबडबा गई। रागिनी केबिन से बाहर निकल आई। उसने बाहर आते ही सुमित को कॉल लगाई। सुमित ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या बात है, आज वर्किंग टाइम में मुझे कैसे कॉल कर दिया? रागिनी ने उदासी से कहा, सुमित अभी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनते ही सुमित ने पूछा, ठीक नहीं है? ठीक नहीं है का क्या मतलब, तबीयत खराब है क्या? घर पर तो एकदम ठीक थी। रागिनी ने फिर कहा, सुमित मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। अब जो अभी है वो कोई और ही लगती है, अजीब सा बिहेव करती है, बातें करते हुए रो पड़ती है। सुमित ने उसकी बात सुनकर कहा, ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी और उससे पूछा भी, पर मुस्कुरा कर टाल गई। कहने लगी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। पर रागिनी, हो भी सकता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हों, हो सकता है उस हादसे से वो अब तक बाहर ना आ पाई हो। रागिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं सुमित, बात कुछ और ही लग रही है। जब अवि और मेरी दोस्ती भी नहीं हुई थी ना, तब मैं उसे दूर बैठकर ही देखा करती थी, वो सबसे अलग बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। अब भी मुझे वही अवि नजर आ रही है, बस अपने काम में लगी रहती है, ज्यादा बात नहीं करती, कभी भी बाहर चलने को नहीं कहती। कुछ तो बात है जो वो नहीं बता रही है, तुम जीजू से बात करो ना, उन्हें भी तो लगा होगा कुछ चेंज। सुमित ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके मैं पहले अवि से बात करता हूँ, उसके बाद कबीर से, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। एक रात कबीर अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और अविका उसे दूर से बैठकर घूर रही थी। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कबीर को अपने आप पर अविका की नजरें महसूस हुई, तो उसने बिना अविका की तरफ देखे ही कहा, तुम्हारे घूरने से क्या होने वाला है? अविका ने उसे घूरते हुए ही कहा, आपको नहीं लगता कि आजकल आप अपनी बीवी से ज्यादा इस लैपटॉप के साथ वक्त बिताने लगे हैं? कबीर ने अब भी बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अविका ने अब कुशन उठाकर कबीर की तरफ फेंका। कबीर ने अपने हाथ से कुशन को बीच में ही पकड़ लिया और अविका के मुंह पर दे मारा। अविका अब गुस्से से पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकलने लगी, तो कबीर ने उसे फ्रीज कहा, तो अविका जहां थी वहीं रुक गई। अविका